आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। पानी हर इंसान की जरूरत है और पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन कानपुर के लोगों की प्यास कैसे बुझेगी, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। दरअसल यूपी जल निगम ने जेएनएनयूआरएम की पेयजल योजना को ही मजाक बनाकर रख दिया है। पहले तो पानी की पाइप बिछाने में 7 साल का वक्त लग गया और अब जब पानी सप्लाई की टेस्टिंग की गई तो केवल 20 किलोमीटर ही लाइन में पाइप 8 जगहों से फट गया, जिसके चलते कई जगहों पर सड़क भी धस गई। मामला लोगों की प्यास से जुड़ा है तो कानपुर नगर निगम की बैठक में पार्षदों ने इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया और जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने पाइप घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। आपको बता दें कि जिस संगम पहले ही घटिया पाइप डालने का खुलासा कर चुका था और अब जल निगम का जमीन में दबा खेल सबूत के साथ बाहर आ गया। हालांकि अफसरों की दलील है कि पानी लीकेज एक सामान्य घटना है और इसे जल्द ठीक करा लिया जाएगा। जब पाइपें पड़ेंगी तो छुटपुट कहीं पर जब वो टेस्टिंग होगी तो वो कहीं लीकेज की समस्या आ सकती है, लेकिन वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ज्यादा है तो वो तो देखना पड़ेगा, अगर ज्यादा है तो, लेकिन टेस्टिंग के दौरान एकदम सब सही तरीके से पानी वो पहुंच जाए और कहीं कोई लीकेज ना निकले तो वो भी नहीं होता है, लेकिन ये कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। निगम सरसम्मत से एक प्रस्ताव पास करके भेज रही है राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार जल निगम के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करे, क्योंकि जल निगम ने पूरे कानपुर में अरबों रुपए की रोडों के खुदाई के नाम पर कानपुर के नागरिकों का जीना दुभर कर रखा है। इसलिए मैंने यहां पर सीबीआई जांच की मांग की। और जी मीडिया संवाददाता आर्यन अग्रवाल हमारे साथ है। आर्यन, ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार ये बात हम उठाते रहे कि किस तरह से घटिया पाइप का इस्तेमाल किया गया है और अब जब लीकेज की बात सामने आ रही तो जो जवाब है जल निगम का वो वाकई गले के नीचे उतर नहीं रहा है। किस तरह से कड़ाई अब की जाएगी, सख्ती होगी भी या नहीं होगी? देखिए श्वेता, 8 अरब 53 करोड़ की योजना थी जो 3 साल पूरी होनी थी, इसको पूरा करने में 7 साल लगा दी कानपुर जल निगम, जो उसकी नोडल संस्थानीय कोई काम पूरा करना था। 5 साल तक कानपुर जनता सड़क खुदा बर्दाश्त करते रही, सोचते चलिए अभी हम दिक्कत बर्दाश्त कर रहे हैं, इन हमारी जो पानी की जरूरत पूरी जाएगी। जो कानपुर में जो वाटर वर्क्स है वो पर हेड जितना पानी चाहिए यानी जरूरत का आधा पानी मुहैया कराता है, 50% पानी मिलता है लोगों को, तो बहुत समस्या थी। फिर अब जब ये लाइनें बिछ गई और उनकी टेस्टिंग शुरू हुई तो पहले चरण में 20 किलोमीटर लंबे एरिया में पानी छोड़ा गया, 8 जगह से फवारे छूट पड़े, सड़के में पानी भर गया, अब वहां खुदाई करके दोबारा पाइप सही किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जब पूरे शहर में की टेस्टिंग होगी तो शायद पूरा शहर तालाब बन जाएगा, पूरा शहर जगह खुदाई नहीं नहीं। अब तो अहम चुनौती यही तो है आर्यन अग्रवाल की, सबसे मुख्य मुद्दा तो यह है कि कहां कहां पाइपलाइनों को ठीक किया जाएगा, कहां कहां से अब दोबारा से खुदाई शुरू होगी। बिल्कुल, और ये बात जिस तरह पहले दिखाई थी कि पाइप जो पड़ रहे हैं वो टूटे हुए क्रेक है, उनको दबा दिया जा रहा है, तो अफसरों से होगा कि शायद मामला सालों दबा रहेगा, लेकिन पानी छोड़ते ही उसमें से फौरन छूट पड़े हैं। कमिश्नर कानपुर से हमारी बात हुई और उस बात को माना है कि अगर ज्यादा निकलता है तो जांच कराएंगे, फिलहाल उसको समान घटना मान रहा है, लेकिन 20 किलोमीटर का एरिया बहुत छोटा एरिया होता है, शहर बहुत बड़ा है, ये कमाल टाउन भी होता है, 7 लाख की आबादी वाला है। जब अगर शुरुआत में ये स्थिति हुई है और सबसे बड़ी बात की कमिश्नर का जो बंगला है उसके बिल्कुल बगल में एक पाइपलाइन फटी है, यानी जो कार बाइक संस्था थी उसने इस बार ख्याल नहीं किया कि जहाँ पे खुद कमिश्नर रहते हैं वहां कम से कम अच्छे पाइप बिछा दिए जाते हैं, वहां भी घोटाला हुआ, ये बहुत दिलचस्प बात है। वाकई इसमें कई ऐसे पहलू हैं जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए आर्यन, लगातार आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर बुंदेलखंड में लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं, लेकिन आम लोगों की मुसीबत में कुछ लोगों को बाजार नजर आ रहा है। जालौन में बोतल बंद पानी बेचने वाले खुले आम लोगों की जरूरतों का फायदा उठा रहे हैं और प्रशासन बेपरवाह। यहां 20-20 लीटर की बोतलों में भरकर पानी बेचा जा रहा है। दावा किया जाता है कि ये पानी आरओ प्यूरिफाइड है, लेकिन ना तो इसका कोई पंजीकरण कराया जाता है और ना ही मानकों के आधार पर कोई टेस्ट होता है। पूरे जिले में बोतलों में भरकर इसे शुद्ध पानी कहकर बेचा जा रहा है। जालौन के तहसील स्तर में 20 से ज्यादा प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। जनपद में शुद्ध पानी के नाम पर डिब्बा बंद पानी बेचा जा रहा है। इस शुद्ध पानी बनाने के लिए पहले तो लाखों लीटर पानी बर्बाद किया जाता है, नालियों में बहा दिया जाता है, और इसका ना कोई मानक है, ना इस पर प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है, और इस पानी से कभी भी कोई हानि हो सकती है।
या कोई बड़ी बीमारियां फैल सकती हैं। 20 रुपए में कितना लीटर देते हैं आप? क्या सादा पानी, किस खासियत के इस पानी की? अरे तो पानी जो बैक्टीरिया खत्म करके साफ करके स्वच्छ करके पानी। आरो पानी है कि क्या कहेंगे इसे? आरो क्या कहेंगे, हम तो फिल्टर पानी कहेंगे। फिल्टर निकाल लेते हैं आप इसको, जो पानी निकालते हैं वो कहाँ फेंकते हैं पानी पूरा, कहाँ जाता है ये पानी? तो वाकई हैरान करती हैं ये तस्वीरें। बहरहाल अब चलिए बात करते हैं मुरादाबाद की, जहां पर पुलिस दबंगई के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। इस मामले में डीआईजी ने कार्रवाई करते हुए 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अस्पताल में बेड से मरीजों को भगाने वाले एसआई राजबीर सिंह और कांस्टेबल सतवीर सिंह को निलंबित किया गया है। साथ ही जी संगम से संबंध में फुटेज भी मांगी गई है। हमारे पुलिस के उपनिरीक्षक और एक आरक्षी दोनों बेड पर अलग अलग बेड पर सोए हुए थे। निश्चित रूप से पुलिस की ये प्रथम दस्ता ये अनुशासनहीनता और कर्तव्य में लापरवाही प्रदर्शित हो रही है कि किसी चिकित्सालय के रोगी के बेड पर वो लेटे हुए हैं और सोए हुए हैं। इस आरोप में मैंने उपनिरीक्षक राजवीर सिंह थाना धामपुर और आरक्षी 21 सत्यवीर सिंह थाना धामपुर इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसकी जांच भी क्षेत्राधिकारी धामपुर के द्वारा की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो हमने ये खबर दिखाई थी कि किस तरह अपनी कारगुजारियों की वजह से यूपी पुलिस सवालों के घेरे में। इस बार एक महिला के साथ पुलिस ने जो बर्ताव किया वो मानवता को शर्मसार कर देने वाला था। आपके सामने कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं जो पुलिस के करतूत को बयां कर रही है। पहली तस्वीर देखिए बिजनौर की। बिजनौर में घायल अवस्था में सड़क पर मिली महिला को पुलिस वाले इलाज के लिए ले तो आए, लेकिन इसके हाथ पांव बांध कर। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की है। इस तस्वीर में भी पुलिस वाले दिख रहे हैं, वो बिजनौर के ही हैं। पुलिसकर्मी उसी घायल महिला को इलाज के लिए मुरादाबाद ले गए थे, जहां पर उन्होंने अस्पताल में ही कब्जा कर लिया, सभी मरीजों को बेड से उतार दिया और खुद बेड पर सो गए। पहले मुलायम सिंह यादव और अब खुद सीएम अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचाने को लेकर खफा है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम ने कहा कि प्रचार प्रसार की अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद जनता के बीच राज्य सरकार की उपलब्धियां नहीं पहुंचाई जा रही। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता सीएम, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष तक को नहीं पहचानती, लोगों को मालूम ही नहीं कि सरकार कौन सा काम कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वो सरकार की उपलब्धियां जनता तक लेकर जाए और विपक्ष की कमजोरियों को भी जनता को बताए। ये सही है कि अगर हम अपनी पार्टी और सरकार की योजनाओं को पहुंचा दें और कम से कम हमारे कार्यकर्ता ये विश्वास करें कि हाँ ये समाजवादियों की वजह से इसका प्रचार हो जाए, आप गिन लो कितने सदस्य बन जाएंगे। मैंने सभी अपने नौजवान कार्यकर्ताओं इस बात को कहा और पार्टी के संगठन को भी अब निर्देश देने जा रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव में जनता ने हमारी मदद की और इतना सहयोग किया कि पार्टी का जो फैसला था उसका समर्थन जनता ने कर दिया। हम लोगों को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, कई बार लोग नहीं पहचानते, ये जनेश्वर मिश्र जी ने एक बार मुझे बताया था और वो मैंने कई बार कोशिश करके पूछा है लोगों से और वो सच निकली बात। मान लो हम समय भी पेंशन दे रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं और गरीबी हमें नहीं पहचान पा रहा है। मैंने सोनभद्र में महिलाओं से पूछा तो ये एक्सरसाइज हमारे कार्यकर्ताओं को और आपकी मदद से ये हमारे लिए भी सबक है, आपके लिए भी सबक है। गांव गांव घर घर बात पहुंचाइए कि पार्टी ने क्या क्या काम किया है और दूसरे दल क्या नहीं कर रहे वो भी पहुंचा दो। दोनों बातें, हमारी पार्टी की बात और दूसरे दल के कुछ नहीं कर रहे। तो वहीं से पहले अखिलेश कैबिनेट की बैठक में शामली की उन और मैनपुरी की घिरौर को तहसील बनाने की मंजूरी दी गई। साथ ही इस बैठक में 7 एजेंडे को भी हरी झंडी दी गई। कैबिनेट की बैठक में भूकंप राहत, किसानों को सहायता और विधानसभा चुनाव सहित कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि यूपी के सभी मंत्री सीएम आपदा राहत कोष में 1 महीने का वेतन देंगे। साथ ही यूपी में किसानों की राहत के मामले पर भी सीएम ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। मैं अभी किसानों को मदद करने गया और मैंने कहा कि उन परिवारों को हम चेक देंगे खुद
जिन परिवारों की जान गई है उनके सदस्यों की, तो 14 लोगों को मैंने चेक दिया जिसमें कुछ एक्सीडेंट थे और कुछ बीमारी के कारण जिन किसानों की मृत्यु हुई थी। आप बताइए 7 लाख 12 लाख तक की मदद पहुंचा रहे हैं और जो फसलों का जो नुकसान है उसकी मदद पहुंचाई। बिजनौर में मानसिक रूप से परेशान महिला से गैंगरेप के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। बिजनौर के एसपी ने 2 महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि महिला को अस्पताल लाया गया था जहां पुलिस वालों ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे। महिला घंटों अस्पताल के फर्श पर तड़पती रही। तो इस मामले में 2 महिला कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। वसीम अख्तर जी मेरे संवाददाता हमारे साथ है। वसीम, ये बताइए आखिर पुलिस की कार्यशैली किस तरीके से है? अस्पताल लेकर आ रहे हैं मरीज को और तरीका ये है, एक्शन तो लिया गया है लेकिन आगे इस तरह का कुछ ना हो इसके लिए क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं? मैं श्वेता, मैं बताना चाहूंगा कि बिजनौर में इस तरह का ये मामला सामने आया है तो यहाँ पर पुलिस के जो अमानवीय चेहरा देखने को सामने आया उससे हर लोग यहाँ पर स्तब्ध हैं। आज चैनल पे दिखाने के बाद यहाँ पर ऊपर से कार्यवाही की बात हुई है तब पुलिस अधीक्षक की नींद जागी और उन्होंने यहाँ पर ये वीरबाला और अंजुलता जो कि महिला कांस्टेबल है उन्हें निलंबित किया और साथ ही जो राजवीर और सत्यवीर जिन्हें डीआईजी के निर्देश पर पहले ही निलंबित किया जा चुका है तो इस मामले में कुल अब तक 4 लोगों को निलंबित किया जा चुका है और पुलिस का ये अमानवीय चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह से दिखाई दे रहा है चाहे बिजनौर में हो या मुरादाबाद में। जी श्वेता, चलिए पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंदशहर में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं और जिले में आज सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बिजली सप्लाई ठप रही जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि सयाना में चेकिंग के दौरान एक जेई से मारपीट हुई थी जिसके विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 23 अप्रैल को आंदोलन किया था। इस मामले पर एसएसपी ने सीओ को हटाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार भी किया था। इसके बावजूद आज फिर से बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अचानक हड़ताल पर बैठ गए। कार्यवाही देखा जाए तो इतना गंदा उनका स्टेप रहा है कि वो अपने सीओ को हटा सकते हैं लेकिन चोरों को नहीं पकड़ सकते। प्रशासन पूरी तरह से फेल है यहाँ। मुझे जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार हमारे पूरे जिले भर के जितने भी अभियंता हैं वो सभी इसमें सम्मिलित हैं, अभियंता कर्मचारी और लाइनमैन इत्यादि। अच्छा, कहीं कहीं बिजली की सप्लाई है वो भी प्रभावित है? अभी इस प्रकार की सूचना नहीं प्राप्त है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने बेजोर विस्कोमीटर की खोज की है। ये विस्कोमीटर जहां जर्मनी के विस्कोमीटर को मात देगा वहीं मोबाइल कैमरे से लैस एएमयू का ये यंत्र बेहद सस्ता भी होगा। इस यंत्र की मदद से किसी भी तरफ पदार्थ का गाढ़ापन मापा जा सकेगा। खास बात यह है कि विस्कोमीटर यंत्र 1 सेकंड में किसी भी तरल पदार्थ के गाढ़ेपन की रीडिंग ले लेगा। यह सुविधा जर्मनी के विस्कोमीटर यंत्र में मौजूद नहीं है। जर्मनी के विस्कोमीटर में तरल पदार्थ की विस्कोसिटी मापते वक्त गिरती बॉल की रफ्तार को देखकर नोट करना पड़ता है जबकि एएमयू के विस्कोमीटर में ये गति खुद कैमरे में कैद हो जाती है। यंत्र की इसी खूबी की वजह से एएमयू से पेटेंट कराने की तैयारी है। ये हमारे एक स्टूडेंट अर्चना गौतमी ने मेरे अंडर में एमटेक डिजर्टेशन किया लास्ट ईयर और उसने अपने एमटेक डिजर्टेशन के पार्ट के तौर पे इस फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर को बनाया है। ये फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर बेसिकली किसी लिक्विड की विस्कोसिटी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। बागपत में नाबालिग को कुएं में फेंके जाने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक बीसीए का छात्र है। आरोप है कि दोनों ने रेप का विरोध करने पर नाबालिग लड़की को कुएं में फेंक दिया था। बरेली के थाना बारादरी इलाके में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग में ऋतिक नाम का एक 14 साल का लड़का घायल हो गया। यह हादसा खुशी बैंक्वेट हॉल में हुआ। मथुरा में मगोरा थाना इलाके में मंदिर के अंदर पुजारी और एक शख्स की हत्या किए जाने से इलाके में दहशत है। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में बीती रात बाइक सवार बदमाश व्यापारी को गोली मारकर फरार हो गया। जी संगम चैनल के संपादक वासिंद्र मिश्र को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विश्वंभर सिंह सामाजिक सरोकार पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने उन्हें सहारनपुर में एक समारोह में सम्मानित किया।
इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।